व्यूअर्स, आप सब जानते हैं एक्टिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और हर सीन को परफेक्ट दिखाने के लिए अदाकारों की बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगी इश्क मुर्शी ड्रामे के कुछ बिहाइंड द सीन के शूटिंग के दौरान अदाकार अपनी लाइंस भूल जाते हैं और फिर उनकी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती, जैसा कि आप लोग ये सीन देख सकते हैं। रिवर्स, अब आप ये वाला सीन देखें जिसमें शिप्रा की माँ अपना डायलॉग भूल जाती है। घर आओ जल्दी, दोबारा बोलूंगी लाइन भूल गई हूँ। इश्क मुर्शी ड्रामे में एक सीन ऐसा आया जिसकी शूटिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, जिसको रिकॉर्ड करते वक्त दुरे पिशा सलीम और बिलाल अब्बास की हंसी कंट्रोल ही नहीं। मैंने नीचे क्या बैलेंस, जरूरत नहीं है पीछे, सीधा पे बढ़ो, जाओ यहाँ से जाओ। ये सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब बिलाल अब्बास ज़ुल्फ़िकार को चाय के लिए बुलाता है और अपना डायलॉग भूल जाता है, फिर इन दोनों की हंसी कंट्रोल ही नहीं है। एक चोट चाय लाना, एक कप आराम से। बस ये सीन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। जब पुलिस वाला शिब्रा को अरेस्ट करने उसके घर पहुंचा तो क्या हुआ कि शिब्रा अपना डायलॉग ही भूल गई और हंस हंस के सबका बुरा हाल हो गया। विक्टर, बात सुनो, अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास? दिखाओ अरेस्ट वारंट, शो मी योर अरेस्ट वारंट। ये ज्यादा ना अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं, शो मी वाला। इश्क मुर्शी ड्रामे के फनी सीन को रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल था, जैसा कि आप लोग ये सीन देख सकते हैं। हेलो, क्या हाल है? ड्रामे का ये सीन रिकॉर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इश्क मुर्शी ड्रामे के अदाकार दाऊद, जो कि बहुत ही सीरियस है, वो भी इस सीन में अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। इस सीन में वो अपनी बीवी का नाम भूल गए। रिवर्स, ये सीन बहुत मजे का है जब शिब्रा की माँ पहली दफा फजल बख्श को घर बुलाती है तो शिब्रा अपना डायलॉग भूल जाती है। अब क्या आप इस इंसान को नहीं जानते? जानते नहीं आप उस शख्स को? ये सीन देखने के बाद आप लोग अपनी हंसी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लाए लाए मुझे भी दें, मेरे बेटे की खुशी है, मैं भी मुँह मीठा करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको इश्क मुर्शी ड्रामे के फनी बिहाइंड द सीन जरूर पसंद आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में जरूर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।